क्या होगा अगर मैं कहूं आपकी लाइफ सिर्फ 7 दिनों में 100% गारंटी के साथ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने 7 दिनों तक इन 6 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपकी बची हुई लाइफ इन 7 दिनों के बाद कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। जो भी मैं आज आपको बताऊंगा वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कम्प्लीट ध्यान से देखना, क्योंकि ये 8 से 10 मिनट का वीडियो आपके 70 से 80 साल संवारने वाले हैं। इन्हीं 6 पॉइंट्स की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद और घटिया होती जा रही है, और इन्हीं 6 पॉइंट्स की वजह से आपकी लाइफ सिर्फ 7 दिनों में कम्प्लीटली चेंज भी हो जाएगी। ये वीडियो मैंने बहुत रिसर्च एंड अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और ये सभी पॉइंट्स को सिर्फ 7 दिनों तक ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 8वें दिन आप खुद इस वीडियो में कमेंट करने आएंगे माई लाइफ चेंज्ड। और हाँ, लास्ट के 3 पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हीं 3 पॉइंट्स में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। सो मेरा नाम है मिस्टर बूस्ट बॉय, नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप 6, प्रैक्टिस नोफैप। क्या नोफैप सच में लोगों के लिए काम करता है, या फिर आजकल ब्रह्मचर्य ट्रेंड में चल रहा है? मास्टरबेट करना सही भी है या गलत? क्या नोफैप करने से कोई भी बेनिफिट होता भी है? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है। जब तक आप खुद इसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी इसके बेनिफिट नहीं पता चलेंगे कि आखिरकार नोफैप का पालन करने से मिलता क्या है। मैंने यूट्यूब पर बहुत से पॉजिटिव कमेंट पढ़े हैं जिसमें लोग कहते हैं कि नोफैप को अप्लाई करने के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। अगर इतने लोग कहते हैं तो सच ही होगा ना, तो क्यों ना 7 दिन आप खुद इसकी प्रैक्टिस करके देखो। 8वें दिन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं आप पहले से कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल नोफैप का पालन नहीं कर रहे होंगे और आपके माइंड में किसी भी अपोजिट जेंडर को देखकर बहुत से गलत सेक्सुअल थॉट जरूर आते होंगे। मैं मानता हूँ कि इस एज में मोस्ट ऑफ द टीनएजर्स या कोई भी इस चीज से गुजरता है। अगर महीने में एक दो बार फैप हो भी जाता है तो इस एज में ये सब होना नेचुरल है, लेकिन कुछ लोग इसे एक जॉब की तरह बना लेते हैं। जैसे कि लोग डेली जॉब करते हैं, वैसे ही वो लोग पोर्न वीडियोस एंड मास्टरबेशन को डेली करते हैं, जिससे उनके माइंड में किसी भी लड़की को देखकर नेगेटिव थॉट्स जनरेट होने लगते हैं। अगर आप में से कोई भी इसे डेली या अल्टरनेट भी करता है तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही घटिया और सड़ी लाइफ जी रहे हैं, जिससे आप अपने फ्यूचर में एक सेटिस्फाइंग लाइफ नहीं जी सकते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने इसे 7 डेज तक कैसे भी कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हो। पहले 7 डेज का चैलेंज लो और जब इसे अचीव कर लो फिर से 7 डेज का चैलेंज लो। आप एकदम मत कहिए कि मैं 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आप इसे कभी भी अचीव नहीं कर सकते। दिमाग की पावर को समझो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उसे अचीव करो। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही बार जीतोगे। शुरू करने के लिए बस आपको 7 दिनों तक कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में पूरी तरह से पोर्न एंड मास्टरबेशन को अवॉइड करना है। स्टेप 5, स्क्रीन ऑफ एंड कम आउट फ्रॉम दिस ट्रैप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सर दर्द इतनी जल्दी क्यों होने लगता है? आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्यों खराब होती जा रही है? आपका फोकस, कंसंट्रेशन, पेशेंस एंड डेडिकेशन लेवल दिन पर दिन क्यों गिरता जा रहा है? वो वजह है आपका मोबाइल। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार एक एवरेज पर्सन का अटेंशन लेवल सिर्फ 8.4 सेकंड हो गया है, जो 20 साल पहले 1 मिनट था। इसकी वजह है सिर्फ आपका मोबाइल, यानी कि लोग आज की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में मोबाइल पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं। अब इंसान मोबाइल को यूज नहीं करता है, बल्कि अब मोबाइल इंसान को यूज करता है। चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या कोई भी हो, आपको हर इंसान के पास मोबाइल जरूर मिलेंगे और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा रोता है तो उनके पेरेंट्स खिलौने के बजाय हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे बच्चा शांत तो हो जाता है, लेकिन इसी के कारण उनके बचपन में ही डबल बैटरी यानी चश्मा लग जाता है और बच्चे को मोबाइल नहीं मिलने के कारण वो चिढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे बाद में बहुत से बैड दिखने लगते हैं। मोबाइल इंसानों के कामों को आसान करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज लोग मोबाइल का उपयोग बहुत ही बेकार तरीके से कर रहे हैं। सुबह उठने के जस्ट बाद आपके हाथों में मोबाइल होता है, रात में जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक आपके हाथों में मोबाइल होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज नहीं होगी। अब आप लोग पूछेंगे मोबाइल का कनेक्शन पेशेंस से क्या है? कनेक्शन है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर किसी भी रील्स, शॉर्ट्स या वीडियो को स्क्रॉल करते हो या कुछ भी देखते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी चीज को सही से पूरा नहीं देखते होंगे, यानी जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेशेंस लेवल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इस वीडियो के साथ भी कुछ
ऐसा हो रहा होगा। आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को छोड़ने वाले होंगे या कुछ लोग छोड़कर जा भी चुके होंगे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक एवरेज पर्सन का स्क्रीन टाइम 4 to 5 आवर्स होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बस 7 डेज तक मोबाइल को तभी हाथ लगाना है जब आपके लिए कोई भी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इस पॉइंट का पर्पस था कि 7 डेज तक मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो ऑनलाइन क्लास लेते होंगे, वो मोबाइल को 7 डेज तक नहीं छोड़ सकते। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके 7 डेज तक मोबाइल से दूर ही रहना है और कम से कम यूज करना है। स्टेप 4, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं आजकल मेरा टाइम तो बहुत ही खराब चल रहा है, मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन रियलिटी में उनकी किस्मत बिल्कुल ठीक होती है क्योंकि भगवान की किसी के साथ पर्सनली दुश्मनी नहीं होती है। आपकी लाइफ कैसी होगी वो आपके कर्मों पर डिपेंड करती है। उन्होंने सभी को 24 घंटे दिए हैं। एक सफल इंसान है जो अपने 24 घंटों को सही से मैनेज करने के कारण अमीर इंसान बन जाता है, और एक दूसरा इंसान है जो अपने 24 घंटों को सही से मैनेज नहीं करने के कारण वो गरीब ही रह जाता है। आपका टाइम सही या खराब नहीं होता है, बल्कि आप गलत या सही होते हो। प्रकृति में कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, हर चीज न्यूट्रल होती है। बस हमारा नजरिया उस चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव बना देता है कि ये सही है और ये गलत है। इसी प्रकार जब आप अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट में चले जाते हो, जिससे काम को टालने की बहुत ही बुरी हैबिट बन जाती है। इससे बाद में आप ज्यादा स्ट्रेस एंड अंडर प्रेशर फील करते हो। एक टाइम ही तो है जब स्टूडेंट अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं करने के कारण वो फेल हो जाता है। एक टाइम ही तो है कोई भी इंसान अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं करने के कारण 2 घंटे के काम 10 घंटे में समाप्त करता है। लाइफ आपको डेली 24 आवर्स देती है, इसको कैसे एडजस्ट करना है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने अपने 24 घंटों को संभाल लिया तो यकीन माने आप अपनी पूरी लाइफ संभाल लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अपने 24 घंटों को सही से मैनेज कैसे किया जाए। मैंने टाइम मैनेजमेंट पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने टाइम को मैनेज करने के लिए 3x8 रूल बताया है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। स्टेप 3, डोंट थिंक जस्ट डू। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और ओवरथिंकिंग की वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 25 से 35 साल की एज में 73% लोग ओवरथिंकिंग एडिक्टेड हैं। इससे आप इतना तो गेस कर ही सकते हैं कि ओवरथिंकर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ओवरथिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप एक बार सोच कर खुद ही देखो, जितना आप पूरे दिन फालतू की चीजों के बारे में सोचते रहते हो, एट द एंड आपको रिजल्ट मिलता क्या है? आंसर में मिलेगा कुछ भी नहीं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करो आपके पास एक पेन है, अगर उस पेन को 1 मिनट हाथ में उठाकर पकड़ोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी पेन को आप 1 घंटे पकड़े रहोगे तो हाथ दुखने लगेगा, और अगर पूरे दिन उसको हाथ में पकड़े रहोगे तो ये आपके लिए दुनिया की सबसे भारी चीज बन जाएगी। पेन का वजन चेंज नहीं हुआ है, पर आपने इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखा ये पेन उतना ही भारी होता चला गया। ओवरथिंकिंग इसी पेन की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचोगे तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी एक चीज के बारे में सोचते रहोगे तो आपका ब्रेन इसी हाथ की तरह दुखने लगेगा, और जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते रहोगे तो आपके पास काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, आपका मोटिवेशन लेवल गिरता जाएगा, आप डिप्रेशन की ओर बढ़ते जाओगे। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो इस बैड हैबिट को ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ 7 डेज तक सोचना बिल्कुल नहीं है और एक्शन लेते जाना है। स्टेप 2, बिकम थॉटलेस एंड डू एवरी वर्क विद माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में इतनी ताकत है कि दुनिया की कोई भी चीज आप आसानी से पा सकते हो अगर इसमें मास्टर बन जाओ। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना और फोकस एंड अवेयरनेस के साथ जो भी आपको चारों तरफ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना। बस 7 डेज के लिए हर एक काम माइंडफुली करना है, और माइंडफुलनेस ही आपकी ओवरथिंकिंग का परमानेंट सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम पर अपना पूरा फोकस सिर्फ खाने पर लगा दो। उसका टेस्ट, स्मेल, टचिंग एंड खाना खाते टाइम आप कैसा फील कर रहे हो उसे महसूस करो। अगर वॉक कर रहे हो तो वॉक के टाइम सिर्फ वॉक करो। पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरा फोकस वहीं पर लगा दो। ओवरऑल एक टाइम पर सिर्फ एक काम करो, क्योंकि रिसर्च भी कहती है कि हमारा माइंड सिर्फ एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करने की क्षमता रखता है। और माइंडफुलनेस को अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूं। आप जो भी काम करें तो सबसे पहले 2 गहरी सांस
लें, उसके बाद अपने आप को एक सेंटेंस बोलें, व्हाट आई एम डूइंग नाउ, और इस सेंटेंस को आपको फीलिंग के साथ बोलना है जिससे आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। यकीन नहीं होता तो इसी वीडियो को देखने के साथ साथ 2 से 3 गहरी सांस लेने के बाद इस सेंटेंस को बोलो, आपको स्वयं पता चल जाएगा, क्योंकि डेली मैं इसको खुद अप्लाई करता हूं। और इस चीज को याद रखने के लिए आप जहां भी काम करते हो वहां पर सेंटेंस को कागज पर लिख कर चिपका देना है, और जब भी मन भटके इस सेंटेंस को फीलिंग के साथ पढ़ना है जिससे आप बार बार प्रेजेंट मोमेंट में आते रहोगे। अगर किसी ने इसे 7 डेज के लिए ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो 8वें दिन आप कमेंट में खुद ही थैंक्स लिखकर जाएंगे। स्टेप 1, डू अपोजिट वर्क ऑफ योर माइंड। आप इस पॉइंट को पढ़कर नहीं समझे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको जो भी चीजें प्लेजर देती हैं, बस आपको 7 दिनों के लिए उसके अपोजिट काम करना है, क्योंकि हमारे अंदर 2 लोग होते हैं, एक जो आपको सफल देखना चाहता है, दूसरा जो आपको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन 99% लोग उस मन के गुलाम हो जाते हैं और अपने आप की नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि जो आपका मन है वो अपने आप को मालिक बनाकर बैठा हुआ है और उसने तुम्हें गुलाम बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मन कहता है कि मुझे मूवी देखना है तो आप तुरंत मूवी देखने लगते हो। इसी प्रकार ब्लू वीडियोस, मास्टरबेशन और बहुत से प्लेजर वाली चीजें आप करते रहते हो जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, जिससे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है और मन अपने आप को खुश कर लेता है। लेकिन मन आपकी एक सड़ी और बेकार लाइफ बनाता चला जाता है और आप इस ट्रैप में फंस जाते हो। लेकिन इसका सलूशन क्या है? अगर आप और आपका मन एक साथ मिल जाए तो फिर ये आपकी बात मानेगा और तुम इसकी बात मानोगे। अगर ऐसा कर लिया फिर आपका कंट्रोल आपके हाथों में होगा, फिर आप जो बोलोगे मन आपका वही करेगा। तो इसीलिए आज से 7 दिनों तक हर एक प्लेजर काम को या आपको जो भी चीजें प्लेजर देती हैं उसको ना कहना है और वही काम करना है जो आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है जो चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ाती हैं वो हमेशा बोरिंग ही होती हैं, चाहे पढ़ाई हो, जिम, रनिंग या कोई भी स्किल सीखना हो, एंड व्हाटएवर। जैसे ही आपका मन कोई भी प्लेजर वाली चीजों को करने के लिए कहे तो मन से तुरंत सवाल पूछो कि मुझे इसे करने से मिलेगा क्या। लास्ट रिजल्ट के बारे में सोचो, तब तक मन को समझाओ जब तक आपकी ये बात न मान जाए। अपने मन से कहो कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं जो कहूँगा तू वही करेगा। ऐसे ही इसकी 7 डेज तक प्रैक्टिस करके देखो, रिजल्ट आपको खुद ही दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थे 6 पॉइंट्स। जो भी 7 डेज तक इन पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए रेडी है वो कमेंट में लिखे यस आई एम रेडी। जो इस सेंटेंस के साथ कमेंट करेगा, मैं समझ जाऊंगा आपने इस वीडियो को पूरा देखा है एंड आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो एंड चेंज करना चाहते हो। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने छोटे या बड़े भाई को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।